ज्यादा एक्टिंग हो गई, बट ये पार्सल आ गया है अपने पास और एक दिन अर्ली आया है और अपने को बहुत बड़ा डिस्काउंट मिला है अमेजोन से। एक तो ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है, प्लस भाई आप पैसा कर लो पहले, फिर मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो वो अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है इसके ऊपर, ग्रेट इंडियन सेल चल ही रहा है, उसके साथ अपने लिंक पे थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के रखी है अमेजोन की। सो ये है मिडी कंट्रोलर, मैंने अभी तक कोई भी मिडी कंट्रोलर यूज़ नहीं किया है। मेरे पास जितने सारे कीबोर्ड्स है उसको ही मैं मिडी की तरह यूज़ करता था, बट आज मैंने प्रॉपर एक मिडी कंट्रोलर लाया है वीडियो के लिए भी, और मेरे को ये थोड़ा इजी जाएगा ऐसे मुझे लग रहा है। लेट सी क्या है इसके अंदर। है कहाँ से ओपनिंग भाई, एग्जैक्ट ओपनिंग कहाँ से है? आई थिंक यहाँ से ओपनिंग है। ये नहीं, ये तो पैक है भाई, ओपनिंग है भी या नहीं है। ये साइड है। अरे भाई इसका ओपनिंग कैसा है, आधा टाइम तो ओपनिंग कैसा है ये पूछने में ही जाएगा मेरे को लग रहा है। ऐसे तो फाड़ देता हूँ। लीड ओपनिंग ही नहीं है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को कि कहाँ से ओपन करना है। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। ओके ये ओपन हो रहा है, होप सो इसमें वही निकले जो मेरे को चाहिए। हाँ ये कैडेंस। अच्छा बॉक्स के अंदर बॉक्स। ओके तो ये है कैडेंस वाला मिडी कंट्रोलर, इसको तो ओपन मतलब फाड़ने की जरूरत नहीं है, छुरी की जरूरत नहीं, इसको अपन डायरेक्टली ओपन ऐसे। अरे माफी अपनी है, कुछ तो जरूरत है ऐसा लग रहा है, टूटना नहीं चाहिए भाई। नहीं ऐसे ही खुलता है। हाँ चलो, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ आप लोगों के साथ, कुछ भी मैंने अनबॉक्सिंग पहले करके नहीं रखा है इसको। ओ माय, कुछ नहीं दिखा पहले तो। ये एज यूजुअल कंट्रोल की का वो मैनुअल है, पूरा ओनर्स मैनुअल। और ये हाँ वायर गिर गया, बहुत ही कम क्वालिटी वाला इसका एक यूएसबी ये दिया है, सी टाइप ही आई थिंक सो। ये सी टाइप नहीं होगा तो मैं मारूंगा इनको। नहीं नहीं सी टाइप नहीं, ये प्रिंटर अभी छोटे प्रिंटर का निकला है ना वो वाला है माइक है भाई। ये है अच्छा, नीचे कुछ नहीं है ना? नहीं कुछ नहीं है नीचे भाई लोग। ये है अच्छा, थोड़ा बच्चों का खिलौना लग रहा है मेरे को, बट ठीक है। लेट सी, इसको साउंड चेक भी करता हूँ इसी वीडियो में करूंगा ऑफकोर्स। भाई अच्छा है भाई, पैड टच हुआ भी है या नहीं समझ में भी नहीं आ रहा है। पैड्स नॉब बहुत ही बेसिक से नॉब है, कैडेंस कंपनी का। मेरे पास एक गिटार था, ये लोग बहुत ही ज्यादा चीप मतलब पैसे के मामले में चीप में काम करते हैं ऐसे मेरे को लग रहा है। बाकी ये तो बहुत टाइम पास है भाई, कंट्रोलर 25 की मजेदार होगा ऐसे मुझे लग रहा है। लेट सी FL को अपना कनेक्ट करके देखते हैं, चालू है FL अंदर तो उसको कनेक्ट करके देखते हैं कैसा साउंड आ रहा है। यहाँ पर FL स्टूडियो अभी चालू कर दिया है और अभी इसको अपन श्री गणेशा कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः नमः नमः। अबे ये पेन ड्राइव की तरह हर बार पहली इसमें नहीं लगता, रुको इसको मैं लगाता हूँ फट से और फिर आता हूँ। ओह जैसे मैंने ये लगाया वैसे टिंग करके लाइट लगी है, और लेट सी यहाँ पर अभी क्या आ रहा है मैसेज, क्योंकि स्पेसिफिक कोई आ रहा है क्या? हाँ ये WMP ये कुछ तो आ रहा है, ये अपने को चाहिए आई थिंक। द स्पेसिफाइड इज ऑलरेडी इन यूज, वेट अनटिल ओके। अरे ओके ना मेरी जान। हाँ ये हो गया, ये आई थिंक WMP मिनी यही है। साउंड क्यों नहीं आ रहा है? ओ भाई ये देखो कलर LED ऐसा मस्त तो ये हो रहा है, पर आवाज़ नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ भी असाइंड नहीं है अभी तक। गाइस सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं यूज़ हुआ है। इसके पैड्स मेरे को बहुत अच्छे लगे, कुछ ज़्यादा ही स्मूथ है। मैं सिर्फ ऐसे टच कर रहा हूँ ना तो भी वो कनेक्ट हो रहा है, बस इसको हिट जोर से करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर मैंने टच सेंसर ऑन करके रखा है।
अभी ये कीज बंद हुए क्योंकि मैंने ड्रम सेट ऑन किया है यहाँ से। बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा ये। कीज भी ओवरऑल अच्छे हैं, मैं कीज आपको दिखाता हूँ यहाँ से, कुछ कीज कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अपने आप फेवरेट फ्लेक्स में ही जाके करते, चलो आपको दिखाने के लिए कुछ तो। यहां से आप इसका ऑक्टेव नीचे कर सकते हो, यहां से ऑक्टेव अप कर सकते हो, मतलब ये जो कुछ नॉब्स दिए वो क्यों दिए मेरे को अभी तक समझा नहीं है। आने के बाद आपके सामने ही मैंने अनबॉक्स किया है और अभी ये इसका थोड़ा सा मैं अभ्यास करूंगा, स्टडी करूंगा खुद का, फिर देखूंगा। ये भी कुछ बैंग्स और प्रोग्राम्स जो दिए हैं, पिच डाउन मेरे को समझ में आया, जो अपना नॉब रहता है ऐसे कीबोर्ड पे यहां पर पिच डाउन करने का, वो सेम साउंड यहां पर आता है। बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है ये। सिनेमैटिक साउंड आ रहा है दोस्तों। आज ये अपने खिलौने के साथ सेकेंड डे है और मुझे कुछ चीजें क्लियर हुई है। कल जब मैंने ये चालू किया था तो लेटेंसी का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था FL स्टूडियो के अंदर से, तो ये लेटेंसी का इशू कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो ऑप्शंस में जाना है आपको, यहाँ पर ऑडियो सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका ये FL स्टूडियो ACO वाला जो कुछ ड्राइवर है ना गाइस डिवाइस, ये होना चाहिए, इस पे ही आप ऑन रखो तो ही आपका लेटेंसी इशू थोड़ा कम हो जाएगा अगर आपके पास कोई भी ऑडियो इंटरफेस नहीं है तो। और ये जो है बफर लेंथ, ये सबसे कम रखना, 256 रख देना और ओके कर देना, अदरवाइज आपको वो लेटेंसी का दिक्कत आएगा। कल जब मैं बजा रहा था तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, मैं जब बजा रहा था तो उसके बाद कुछ आधे पौने मिली सेकेंड के बाद वो बज रहा था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था बजाते वक्त, बट आज वो कम हो गया है। अभी ये मोबाइल पकड़ के बजाने के लिए ये बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे, बट मजा आ रहा है। अदरवाइज इसको थोड़ा ऑक्टेव में अप करके हौले हौले बजा के देखते हैं, मतलब गाना हौले हौले बजा के देखते हैं। ये और अपना फेवरेट, अभी एकदम फेवरेट चल रहा है वो चंद्रा गाना, थोड़ा लेटेंसी इशू अभी भी है गाइस, बट ये एक्चुअली ये जो हारमोनियम मैं बजा रहा हूँ ना, ये स्वर प्लग वाली हारमोनियम है, तो इसमें थोड़ा सा और भी लेटेंसी इशू हो रहा है। अदरवाइज जो इनबिल्ट FL वाले जो साउंड्स है उसमें थोड़ा सा अच्छा साउंड है। ये बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है, देखो इसमें थोड़ा कम दिक्कत है। तो बेसिकली ऐसा सब कुछ है, मुझे ओवरऑल ना ये थोड़ा सा मतलब बहुत बढ़िया नहीं लगा और बहुत गंदा भी नहीं है, जो प्राइस रेंज में मिल रहा है वो मुझे परफेक्ट लग रहा है। अभी मेरा आप मुंह नहीं देखोगे, डायरेक्ट यहां पर ही मैं एंड कर रहा हूं ये वीडियो, बट इसमें ना ये सब पैड्स में बहुत अच्छा हो रहा है प्ले। इसमें सब बेस नोट बज रहे हैं, तो आप यहां पर बजा के दूसरे हाथ से ये एक की भी दबाओगे तो ये सी के साथ जितने गाने आप बजाना चाहते हो वो ये ऐसे दबा के ऐसे आप कॉर्ड के साथ बजा के आप ट्राई कर सकते हो। तो ये बेसिक आइडिया मैंने देने की कोशिश की है, अगर ये आप खरीदी करना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, वो डिस्क्रिप्शन की लिंक चेक करो, पिंड कॉमेंट में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ग्रेट इंडियन सेल अभी चल रहा है तो उसका फायदा उठाओ, दिवाली खत्म होने तक तो 100% है वो सेल, तो उसमें फायदा उठाओ और अपने लिंक पे क्लिक करके जाओ तो और थोड़ा थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट और भी मिल सकता है,
तो जरूर से चेकआउट करना। और बाकी ये बढ़िया चीज है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये बहुत ही बड़ा वीडियो हो गया है, बट ओवरऑल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो किसी एक दोस्त के साथ जिसको ऐसा कुछ खरीदी करना है, परचेस करना है, और जिसको थोड़ा सा म्यूजिक प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है उसको शेयर करो वीडियो। और इस स्ट्रीम मतलब इस चैनल पे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं तो उसको ज्वाइन करो, अब और मजे करेंगे। इसके बारे में और जानकारी जो कुछ है वो अपन लाइव स्ट्रीम पे लेंगे, मैं जरूर ये लाइव स्ट्रीम पे बजाऊंगा तो आपको भी मजा आएगा। ठीक है, टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।